अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा जो मिर्ची का प्लांट है, जिसमें मैंने बताया था आपको हमने ग्रोथ फर्टिलाइज़र डाला था, और उससे पहले उसमें फूल आते थे, गिर जाते थे, आते थे, गिर जाते थे, लेकिन उसके बाद जो जो हमें रिज़ल्ट दिखा है बैगन का प्लांट में भी और मिर्ची के प्लांट में भी, तो वो अच्छा है। अभी मिर्ची के प्लांट में भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कितनी, 1 2 3 4 5 मिर्ची दिख रही है। अभी मेरा ध्यान नहीं गया था, अभी मैं आके बैठा तो मैंने देखा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो मिर्ची का प्लांट। ये देखिए, एक अब मैंने तोड़ लूँगा, 2 3 4 5 6, और भी इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं। ये देखिए, मेरा एक और जो मिर्ची का प्लांट है वो बिल्कुल सूख गया है, पता नहीं उसमें ये तो ज़्यादा पानी आ गया, बारिश की वजह से उसकी रूट्स डैमेज हो गई, इस वजह से सूख गया, क्या बात है। ये भी भिंडी आ गई है, और ये जो बैगन मैंने दिखाए थे, 1 2 3 4 5 6, और भी छोटे छोटे बहुत सारे फूल आ गए इसमें। ओवरव्यू, दूसरा वाला मिर्ची का पौधा दिखाता हूँ जो बिल्कुल सूख गया मेरा। ये बहुत ही हरा भरा था लेकिन अब बिल्कुल सूख गया है, इसको दोबारा से हम दूसरा प्लांट लगाएंगे, ये तो शायद रिवाइव नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। ये अपराजिता की बेल, मिर्ची का प्लांट था जो कि एक बिल्कुल सूख गया है और दूसरे में मिर्चियाँ आ रही हैं। अब मैं उनको तोड़ लेता हूँ वरना तो सूख जाएंगे बिल्कुल। एक और थी यहाँ पे, 2 3 4 5 6, और तो नहीं दिख रही मुझे, और तो वो सभी फूल हैं जब वो डेवलप होंगे। इसके अंदर छोटा सा देखो, ये आम का प्लांट भी है, ये मैंने पिछले साल आम की गुठली से उगाया था उसको। तो ये हमारा आज का वीडियो था मिर्ची के प्लांट के ऊपर। अब देखते हैं ये मिर्ची कैसी है, कितनी तेज़ है या तेज़ नहीं है, वो यास्मीन बताएगी, उसको देख के आता हूँ मैं अभी।